नहीं करेगा ना तो पकड़ा जाएगा। लग गए दुकान में। आखिर क्या फिल्म लव सेक्स और धोखा 2 पारिवारिक होने वाली है या नहीं, और किस किस ने बॉलीवुड में कदम रखा था फिल्म लव सेक्स और धोखा से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फिल्म लव सेक्स और धोखा शॉर्ट में LSD दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म ने अपने रिलीज़ के 11 साल पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ निर्माताओं ने इसके दूसरे पार्ट का ऐलान भी कर दिया है। अब LSD 2 के साथ निर्माता इस विरासत को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर तो इस फिल्म की घोषणा भी कर दी है। एकता कपूर ने कहा, LSD को अपनी दिलचस्प कहानी और शानदार म्यूज़िक के लिए याद किया जाता है। इसके दूसरे भाग की घोषणा करने के लिए आज से बेहतर दिन और क्या ही हो सकता है। एकता ने यह भी कहा, दिबाकर का कहानी को पेश करने का कौशल काफ़ी शानदार है, मैं उनके साथ फिर से जुड़ने के लिए रोमांचित हूँ। हम आशा करते हैं कि दर्शक LSD 2 को भी उतना ही पसंद करेंगे जितना पसंद उन्होंने पहले भाग को किया था। दिबाकर बैनर्जी ने सीक्वल पर कहा, LSD हमारे जीवन में बदलाव का एक क्षण था जिसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैद किया गया था। हम फिर से किसी ऐसी नई चीज़ में बदलाव ला रहे हैं जिसे हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा, ये पारिवारिक कहानी नहीं होगी, ये कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमें रात में डर लगता है। एकता कपूर हमेशा से ही गेम चेंजर रही हैं। 2010 में आई LSD में 3 कहानियों को बेहतरीन तरीके से जोड़ा गया था। इसके ज़रिए राजकुमार राव, अंशुमन झा और अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा था। अपरिचित होने के बावजूद भी कलाकारों का अभिनय बहुत ही शानदार था। इसमें सोशल लाइफ में घटी वह घटनाएं भी शामिल थीं जो Page 3 कल्चर या फिर रईसों की महफिलों में मजाक में उड़ा करती थी। लीक से हटकर बनी ये फिल्म कुछ अलग देखने वालों की कसौटी पर खड़ी उतरती है। LSD पारिवारिक ना होने के बावजूद भी दर्शकों को खूब पसंद आई थी और सभी ने इसे काफ़ी प्यार दिया था। इसके गाने तो काफ़ी मशहूर हुए थे और आज भी जाने जाते हैं। LSD 2 में कुछ हॉट और नई कहानियों के साथ लौटेंगी बॉलीवुड की बोल्ड डायरेक्टर एकता कपूर। LSD बेहद खास फिल्म है और क्योंकि इसी फिल्म से राजकुमार राव और नुसरत भरूचा ने बॉलीवुड में कदम रखा था। आज दोनों ही बॉलीवुड में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और दोनों ही अच्छे एक्टर्स की लिस्ट में गिने जाते हैं। फिल्म में अलग तरह की थीम होने वाली है और ये फिल्म यूथ को ही टारगेट करेगी। इसकी कहानी ऐसी होगी कि कई दिनों तक ये चर्चा में बने रहे। तो क्या आपको लगता है कि LSD जितनी ही कामयाब हो पाएगी LSD 2? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम आज की ये वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है संस्कृति जलान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।